लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कुछ दिन पहले 40 साल के मनोज कुमार और उनकी पत्नी राजकौर दिन में सिर्फ 250 रुपए कमाते थे। वे पंजाब के संगरूर जिले के एक गांव में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। 24 घंटे में ही उनकी और चार बेटों की किस्मत ऐसे फिर जाएगी, किसे पता था। मनोज के पिता ने पूरी जिंदगी साइकिल का पंक्चर बनाने में काट दी। 30 अगस्त के बाद उनकी जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। तब से प्रॉपर्टी डीलर और बैंकर उनके दरवाजे के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल मनोज कुमार ने राज्य सरकार की 1.5 करोड़ की राखी बम्पर लॉटरी जीत ली है। उन्होंने पड़ोसी से 200 रुपए उधार लेकर लॉटरी की टिकट खरीदी थी। मनोज वाल्मीकि दलित परिवार से हैं। लगभग 10 साल पहले उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। उनकी बड़ी बेटी ने इसी साल इंटरमीडिएट पास किया है और वे नौकरी की तलाश में थी। मनोज अपनी बड़ी बेटी को पुलिस में भर्ती कराना चाहते हैं और छोटी बेटी को नर्स बनाना चाहते हैं। साथ ही बेटे को चर्चा का पादरी बनाना चाहते हैं। मनोज पैसे की कमी के चलते अपने पिता का इलाज नहीं करा पाए थे। उनका कहना है कि अगर उस समय लॉटरी लगी होती तो शायद पिता की जान बच जाती। 30 अगस्त को पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उनके घर पर आए और उन्होंने बताया कि मनोज की राखी बम्पर लॉटरी लगी है। उनकी पत्नी राजकौर ने कहा, पहले मुझे लगा कि वे ऐसे ही बात कर रहे हैं। बाद में कर्मचारी ने न्यूज पेपर दिखाया और टिकट लाने को कहा। मनोज ने धूलभ रेपेंट की जेब से टिकट निकाला और नंबर मिलाया। मनोज ने जरूरी दस्तावेज सरकार को सौंप दिए हैं। कुछ दिनों में उन्हें जीती हुई रकम मिल जाएगी।